है एवरी वन दिस इज श्वेता वेलकम टू यू पी एस सी वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट चैप्टर ये थोड़ा सा आपका मॉडर्न टाइम पीरियड के आर्ट की बात करेगा यानी भारत में आ, जब आधुनिक राष्ट्रवाद चल रहा था उस समय किस तरह की ललित कलाएं उभर कर आई थी वो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे आज की क्लास में हम जानेंगे कि नेशनल uh, मूवमेंट के बाद वाला जो एक टाइम पीरियड आता है चाहे हम इंडिपेंडेंस की बात करें या फिर नाइन्टीन की बात करें या फिर नाइन्टीन uh, नाइन्टी के बाद जो एल रिफॉर्म हुआ जो नई टेक्नोलॉजी आई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आर्ट पर उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं uh, थोड़ा बहुत ही देखते हुए हम चलेंगे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन uh, क्योंकि हमने आर्ट एंड कल्चर ज़ीरो से स्टार्ट करा था तो इसको हमें एक फिनिश लाइन तक पहुंचाना है uh, मॉडर्न एरा में किस तरह का आर्ट चल रहा है क्या क्या इम्पैक्ट आए क्या क्या चेंजेस आए वो सब थोड़ा हम जान लेंगे वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे इस चैप्टर को हम इसमें हर एक पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे चैप्टर काफी लेंदी है अराउंड फोर्टीन पेजेस का बता रखा है उसके बाद में हमें बहुत सारे आर्ट के बारे में डिफाइन किया गया है तो आप बस एक रीडिंग लगा लेंगे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ही यहाँ पर कंटेंट है रटने वाली चीज़ें भी बहुत थोड़ी है आ, बस थोड़ा सा चेंज समझते हुए चलना है एरा वाइज ताकि आपके पास में दो दो तीन तीन लाइन का कंटेंट हो कि क्या चेंजेस आए हैं अराउंड हर चालीस साल के आसपास में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा लास्ट होगा और इसी के साथ जो हमारा इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास का फाइन आर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा इलेवेंथ का जो फाइन आर्ट पार्ट वन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास समय नहीं है ट्वेल्थ का नहीं भी कर पाएंगे तो एक बार चल जाएगा लेकिन इलेवेंथ का एक एक वर्ड अच्छे से पढ़िएगा समय है तो ट्वेल्थ का भी एक बार रीडिंग मार लीजिए क्योंकि ये आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है ना उसको कंप्लीट करता है है ना इलेवंथ पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा काम लेकिन थोड़ा बहुत बिखराव रहेगा इसको पढ़ के आपको एक आ, समझ आ जाएगी एक वो कॉन्फिडेंस आपके आंसर्स में दिखाई दे सकता है या कहीं इंटरव्यू वगैरह में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप हमारे को बाकी अभी रिसेंटली हमारा जो प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू उसने आ, विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया था और इस विश्वास दिवस के लिए हम आपके लिए स्पेशल ऑफर लाए तो आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं आप हमारे आ, इस ओपन प्लेटफॉर्म से तो जुड़कर तैयारी कर ही रहे हैं यूट्यूब पर हम ऑलमोस्ट सारी चीजें डिटेल से कवर करा रहे हैं हिस्ट्री है ज्योग्रफी पॉलिटिक इकोनॉमी साइंस एंडवायरमेंट सब कुछ चल रहा है इवन सी की क्लासेज भी आपके लिए ला दी गई हैं लेकिन फिर भी एक वन टू वन पर्सनल इंट्रैक्शन जो है वो यहां नहीं हो पाता है तो आप एक प्रॉपरली गाइडेंस के साथ में उस पर्सनल इंटरक्शन के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और एक टाइमलाइन भी होता है वो वहां पर आपको मिलता है पेड कोर्सेज में तो उसके लिए आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और बहुत बच्चे जुड़े भी हुए हैं लेकिन अभी स्पेशल आपको विश्वास दिवस के लिए एक ऑफर दिया गया है जहां पर टेंथ ऑफ मार्च तक ये हमारे सारे कोर्सेज पर हम स्पेशल वैलिडिटी लेकर आए तो ऐसे जो बच्चे हैं कि आने वाले समय में तैयारी करना चाह रहे हैं आप इस ऑफर के अंडर में

बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि एक लंबे समय में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं दो साल में तीन साल में या फिर आपको पता है कि आप एलिजिबल नहीं अभी या फिर अभी आपको पता है कि ग्रेजुएशन में है अभी आपको टाइम लगेगा तो ईयर वाइज क्वालिफिकेशन वाइज या फिर आपको खुद लग रहा है कि हाँ मैं वर्किंग हूं मुझे थोड़ा समय चाहिए प्रिपरेशन के लिए डेली हम नौ घंटा आठ घंटा नहीं पढ़ सकते तो ऐसे एस्पिरेंट्स ये हमारे थ्री ईयर का कोर्स है प्रारंभ टू पॉइंट सॉरी ट्वेंटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो थ्री ईयर का कोर्स है वो आप आपको मिल रहा है थर्टी थाउजेंड अप्रोक्स आपका पड़ रहा है तो ये अभी आफ्टर डिस्काउंट है 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 और ये मार्च तक की वैलिड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप सब्सक्रिप्शन uh, ले सकते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं गाइडेंस पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा जरूरी है चाहे आपको फ्री में कोई गाइड करे या पे करके करे पे करके थोड़ा सा आदमी बाध्य हो जाता है फ्री में थोड़ा सा फ्लेक्सीबल रहता है अरे समझा दिए आज छोड़ो अभी हमारा मन नहीं है हम तुमको आज नहीं बताएंगे तो इसलिए डिपेंडेंट नहीं होने का किसी पर एक प्रॉपर वे में टीचर से जुड़िए सही ही तरीके से वो आपको गाइड करेंगे और डेली आपका वो रिदम बना रहेगा क्योंकि वहां पे सारे एस्पिरेंट्स आपके जैसे ही होंगे जो आने वाले कुछ साल में अपियर होने वाले एग्जाम में तो आपका वो जो कंपटीशन वाला फीलिंग है वो भी डेफिनेटली बना रहता है ठीक तो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को डायरेक्ट आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर में क्या बोलता है राइटर यहां पर एक सेकंड दीजिएगा मुझे ओके okay, तो राइटर यहाँ पर क्या बोलता है भारतीय कला में आधुनिकता का परिचय ओके okay, तो ये इंडियन आर्ट की बात कर रहा है और इंडियन आर्ट में आप किसकी बात करता है मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करता है ठीक है थीके? अब मॉडर्न इंडिया किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है आ, आप लोग अलग अलग तरीके से इसको आ, समझ सकते हैं यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का मतलब बिल्कुल भी ब्रिटिश से नहीं है हाँ वो जरूर उस समय इंडिया में रूल कर रहे थे लेकिन मॉडर्न का मतलब है हमारे अंदर भी बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स आ रही थी पुनर्जागरण की हमारे बेसिक राइट्स की इंडिपेंडेंस की ह्यूमन राइट्स की तो यही है मॉडर्न है ना कि आप आधुनिक हो रहे हैं ठीक है चलो अब थोड़ा सा देखते आगे चलते हैं अंग्रेजों के द्वारा ललित कला को यूरोपीय रूप में देखा गया ब्रिटिश जो इंडिया में रूल कर रहे थे उनके हिसाब से जो भी हमारी ललित कलाएं हैं एक्चुअली वो क्या है यूरोपियन आर्ट ही है ऐसा उनका मानना था और उनको ऐसा लगता था कि भारतीयों के पास ललित कलाओं का कोई सृजन और आस्वादन के लिए प्रशिक्षण या फिर इंद्रिय संवेदना नहीं है यानी उन उनके पास में ऐसे सेंसेस नहीं है जो वो समझ सके कि एक्चुअल में ललित कला क्या होती है या उनके पास में उसको परखने की समझ नहीं है बेसिकली

बॉम्बे और नीचे मद्रास यहाँ पर हमें इस तरह के कला विद्यालय विद्यालयों की स्थापना होते हुए दिखाई दी इन कला विद्यालयों में प्रकृतिवादी कला को बढ़ावा दिया गया जिसने विक... टोरियन प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया प्रकृतिवाद मतलब जो भी जो भी चीजें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं उन तरह के आर्ट्स को इन स्कूल्स में डिफाइन किया गया था ये जो भी स्कूल्स अलग अलग सेंटर्स में खोले गए थे यहाँ तक कि भारतीय शिल्प को भी जो समर्थन मिला वह यूरोपीय अभिरुचि और उसके द्वारा बाजार में की गई मांगों पर आधारित था बेसिकली यहाँ पर बस ये बताना चाह रहा है कि यूरोपियन आर्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था जो ये सेंटर्स थे आर्ट के स्कूल्स खोले गए थे इस पर भी यूरोपियन आर्ट का ही प्रभाव दिखाई देता है ठीक है फिर बोल रहा है कि प्रीवियस जो हमारा सेशन हम डिस्कस करके आए हैं वहां पर हमने देखा था कि औपनिवेशिक पक्षपात के विपरीत राष्ट्रवादी कला का उदय हुआ था एक टाइम पीरियड था जब औपनिवेशिक कला फल फूल रही थी जिसमें हमने ऑयल कलर्स के बारे में डिस्कस किया था तैलीय रंगों के बारे में जिक्र किया था कि जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे इनिशियली हम देखते हैं कि बंगाल में उनके द्वारा जब कला को प्रमोट किया जा रहा था तो वो तैलीय रंगों का प्रयोग करते और उसी ऑयल कलर्स का यूज हम देखते हैं केरल में भी यूज किया जाता है राजा मारतंट वर्मा के द्वारा लेकिन जब नेशनलिज्म की एक्टिविटी हुई 1905 में तो किस तरह से राजा मार्त वर्मा के द्वारा भी जो आर्ट को प्रमोट किया गया उसको भी बोला गया नहीं ये विदेशी है ये औपनिवेशिक प्रभावित कला है तो हमको स्वदेशी कला अपनाना चाहिए और स्वदेशी कला के अंतर्गत यूरोपीय कला का जो एक कोर था जिसमें वो यथार्थवाद को बहुत फॉलो करते थे उसको इंडियन से पूरी तरह डिनाई किया कि यथार्थवाद को हम साइड कर रहे हैं समझ में आ गया

कलाकार दिखाई दिए अवनिंद्राथ टैगोर और e. था? विद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके शांति निकेतन में हमने देखा था कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 में. और इस कला भवन में अवनिंद्रनाथ के जो शिष्य थे उन्होंने आके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ठीक है इसके अलावा आगे चलकर हम देखते हैं कि यूरोपियन आर्ट तो जो हमारे भारतीय राष्ट्रवादी चित्रकार थे उन्होंने यूरोपियन आर्ट को अपनाने से मना कर दिया था हर लेवल पर उसका बहिष्कार किया था लेकिन काफी बाद में चलकर हम देखते हैं कि जर्मन कलाकारों की एक प्रदर्शनी लगी थी कल, आ, कलकत्ता में जहां पर एक नए तरीके का आर्ट डेवलप हुआ जिसको बाहोस कला प्रदर्शनी के नाम से जाना गया इस कला प्रदर्शनी में पहली बार ऐसी यूरोपियन कला इंट्रोड्यूस हुई जिसमें यथार्थवादी तत्व था ही नहीं ओके इस कला में यथार्थवादी तत्व नहीं था इसमें ज्यादातर जियोमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं उनका यूज किया जा रहा था जो रेखाएं होती हैं रेखाएं उनका प्रयोग किया जा रहा था अपने कला को प्रदर्शित करने में तो ये जो नई प्रकार की यूरोपियन आर्ट इंट्रोड्यूस्ड होती है बाहोस प्रदर्शनी में आन, आ, कलकत्ता में इसको इंडियन नेशनलिज्म सॉरी इंडियन नेशनल जो आर्टिस्ट थे राष्ट्रवादी जो कलाकार थे उन लोगों ने इस आर्ट को एक्सेप्ट करा समझ में आ गया जो वो पहले वाले नहीं किया है यथार्थवादी चरित्र को ये छोड़ दे रहे हैं उसको इन्होंने अपना लिया था है ना? जिसमें ज्यामिति रेखाओं के द्वारा कला का प्रदर्शन किया जाता है फिर बोल रहा है आगे कि इसी तरह एक सेकेंड रुकी आगे बोल रहे इसी तरह गगनेन्द्र नाथ और कवि चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर परिवार के कलाकारों ने घनवाद और अभी व्यंजनावाद जैसी अंतरराष्ट्रीय कला के बारे में जाना अब ये थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है कि कैसे बाहोस कला प्रदर्शनी में जर्मनी आर्ट आया वो भी तो जर्मनी क्या है यूरोप का ही एक देश है यूरोप का कंट्री है तो वहां पर यूरोपियन आर्ट आया लेकिन वो यूरोपियन आर्ट यथार्थवाद पर बेस्ड नहीं था उसको नेशनलिज्म जो इंडियन आर्ट, आर्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसी के अंतर्गत देखते हैं आगे जो नए उत्तराधिकारी हुए किसके रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों के कवियों के उन्होंने इस आर्ट को एक्सेप्ट किया यहां पर जिक्र भी कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय घनवाद घनवाद बेसिकली क्या है आपने घन का देखा है किस तरीके से थ्री डायमेंशनल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस तरह के आर्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया और वो बेसिकली क्या थी अंतरराष्ट्रीय कला थी इस तरह के अंतरराष्ट्रीय कला से आगे भारतीय कलाकार प्रभावित हुए तो जो इनिशियल यूरोपियन आर्ट था उसको तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा लेकिन आगे जब यूरोपियन आर्ट आया जो यथार्थवादी चरित्र को छोड़ चुका था उसको इन्होंने एक्सेप्ट करा इन्होंने अकादमिक यथार्थवाद का त्याग कर अमूर्त के साथ प्रयोग किया अमूर्त का मतलब है यथार्थवाद जो रियलिटी बेस्ड होता है मतलब किसी के जीवन के घटना को या कुछ इस तरह से दर्शा रहा है उसकी जगह पर अमूर्त अमूर्त मतलब क्या कि ज्यामित रेखाएं हो गई आ, पेड़ पौधे हो गए पर्वत हो गए इस तरह के आर्ट को एक्सेप्ट किया ठीक है आ, ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है आगे बोल रहे हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने घनवादी तत्वों को समा, समाहित कर अपने स्वयं की एक विशिष्ट शैली का निर्माण किया तो यहाँ पर जो हमें इंडियन आर्ट मॉडर्न टाइम पीरियड का दिखाई दे रहा है राष्ट्रवादी से अलग वहां पर एक नई चीज आई कि गगनेन्द्र टैगोर जो थे इनके द्वारा घनवादी तत्वों को समाहित किया गया अपनी कला में और अब जो कला विकसित होगी वो एक अपने आप में एक अनोखी प्रकार की कला के रूप में हमें दिखाई देती है ठीक है उन्होंने अपने रहस्यमय विशाल कक्षों और कमरों के निर्माण में उर्ध्वाधर क्षेत्र तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया यानी जो पेंटिंग वो कर रहे जो आर्ट वो बना रहे तो उसमें कमरे बना रहे हैं उसमें उर्ध्वाधर तिरछी अलग अलग प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जा रहा है जो प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो के घनवादी शैली से काफ़ी भिन्न है तो नो डाउट इंटरनेशनल जो आर्ट है उसका इन पर इम्पैक्ट तो पड़ा है लेकिन वो जो घनवादी शैली को ये अपनी कला के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें और इंटरनेशनल जो आर्ट है उसमें आप बेसिकली डिफरेंस देख सकते हो डिफरेंस क्या उसको पूरी तरह से कॉपी नहीं किया गया है वहां से आइडिया लिया है लेकिन जब उसको ये अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे तो ये बहुत डिफरेंट लग रहा है जिसके बारे में पर जिक्र कर रहा है कि पाब्लो पिकासो के घनवादी शैली से काफी भिन्न हमें दर्शा दिखता है किसका गगनेन्द्र टैगोर के घनवादी तत्व ओके तो बस थोड़ा सा दो चार पॉइंट लिखते बहुत ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी मैं इसमें क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं ऑलरेडी हम पढ़कर चुके हैं उसको ये कनेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है थीके? तो थोड़ा सा देखते हैं आ, क्या बोलता है राइटर ओके सेकंड ओके। गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा किसको अडॉप्ट किया गया था घनवादी तत्वों को समाहित किया गया था लेकिन फिर भी अपनी विशिष्ट प्रकार की कला को विकसित किया गया था घनवादी शैली को अपनाते हुए भी को अपनाते हुए भी अपने आप में एक विशिष्ट शैली विशिष्ट शैली का निर्माण विशिष्ट शैली का निर्माण किया गया था यह किसी भी रूप में पिकासो की घनवादी शैली से भिन्न था से भिन्न था ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं ऐसे दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो है वो आपको याद करने हैं आगे क्या बोल रहा है ओके रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन में काफी देर से दृश्य कला की ओर अग्रसर हुए वे अपनी कविताओं को लिखते समय अक्सर डूडल बिना सोचे समझे किया गया रेखांकन बनाते थे आ, इस प्रकार उन्होंने सुलेख की एक विशेष शैली विकसित कर ली थी इनमें से कुछ मानव चेहरे कुछ भूदृश्य उनकी कविताओं के साथ मनोरम रूप में दिखलाई पड़ते हैं तो बोल रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो आगे चल के बहुत लेट में दृश्य शैली को अपनाते हैं ठीक है हालांकि रविन्द्रनाथ ने अपना एक छोटा सा दृश्य संसार बनाया जो बंगाल की सुंदर और नाजुक शैली से पूरी तरह से अलग था जो अक्सर जनता भित्ती चित्रों के साथ और मुगल और पहाड़ी चित्रकारों से प्रभावित था तो चित्रकला से प्रभावित था बेसिकली बोल रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा भी दृश्य कला को अपनाया गया था लेकिन बहुत बाद में बहुत बाद में और वो जो इस तरह के रेखांकन करते थे वो कोई ऐसा पर्टिकुलर कैलकुलेट किया हुआ नहीं रहता था बिना सोचे समझे उनके द्वारा रेखांकन किया जाता था ठीक है और बेसिकली जो उनका रेखांकन था वो ऐसा लग रहा था किसके द्वारा प्रभावित था वो प्रभावित था मुगल और पहाड़ी लघु चित्रकला से ना कि उस पर किसी विदेशी तत्व का प्रभाव दिखाई देता है नंदलाल नन्द, बोस सर नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में ललित कला संस्थान कला भवन में शामिल हुए तो यहां पर बता रहे हैं कि नंदलाल बोस जो है इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके थे कि किस तरह से ये कला भवन में शामिल होते हैं टैगोर जो है उनके थे। और ये जब में से परिचित कराया नंदनाल बोस के अंदर जो के तत्व आए थे वो उनके गुरु अवनिंद्रनाथ टैगोर से आए लेकिन वे अपने छात्रों और शिक्षकों के नए कलात्मक प्रयोगों में बाधक नहीं बने बल्कि उन्हें तरह तरह से प्रोत्साहित किया तो ये क्वालिटी थी नंदलाल बोस की कि इन्होंने ठीक है ये बता रहे यहाँ पर कि ये जो कलाकार थे इन लोगों ने अपने छात्रों को बाध्य नहीं किया किसी भी रूप में कि आपको इसी कला तक बंधक बन के रहना है अगर वो कुछ चेंजेस लाते हैं या नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए इन्होंने पूरी तरह से फ्री छोड़ा क्योंकि आर्ट ऐसी चीज है जो कि अपने वैचारिक सोच से उसका विकास होता है विनोद बिहारी मुखर्जी रामकिंकर बैज नंदलाल बोस के सबसे रचनात्मक छात्रों में से एक थे तो आगे बता बताना नंदलाल बोस के कुछ छात्र हुए थे नंदलाल बोस ने अपने छात्रों को पूरी तरह से फ्री किया हुआ था वो केवल अपने ही चीजों तक अपने ही कला रूपों तक उन्हें बंधक नहीं बना सकते थे न बनाने की उन्होंने कभी कोशिश की और ऐसे दो महत्वपूर्ण उनके कलाकार छात्र हमें दिखाई देते हैं जिनके विचारों ने दुनिया को समझने में हमारी सहायता की उन्होंने स्केचिंग और चित्र बनाने की अपनी स्वयं की अनूठी शैली विकसित की स्केचिंग बहुत सारे लोग आप में से करते होंगे स्केच स्केच बनाना कि किसी कोई कोई चित्र है या कोई व्यक्ति है व्यक्ति उसका स्केच बना देना ओके तो यहाँ पर बोल रहे कि नंदलाल बोस के ही जो आगे विद्यार्थी हुए उन्होंने एक नई चीज विकसित की क्या स्केचिंग और चित्र बनाने के अपनी की अपनी स्वयं की शैली विकसित की ठीक है जिसमें उन्होंने ना केवल अपने आसपास के परिवेश जिसमें वनस्पति हो गए जीव जंतु हो गए उनको दर्शाया बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी सफलतापूर्वक चित्रण किया। शांति निकेतन के बाहरी क्षेत्रों में संथाल जनजातियों की बड़ी आबादी देखी जा सकती थी और ये कलाकार अक्सर उन्हें चित्रित किया करते थे यानी ये जो वहां के जनजातीय लोग थे उनको चित्रों में उकेर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर एक और आपको फैक्ट दिखाई दे रहा है विनोद बिहारी और रामकिंकर बैच के बारे में ठीक है विनोद बिहारी और राम किंकर बैज जो किसके शिष्य थे नंदलाल बोस के नंदलाल बोस के शिष्य जिनके द्वारा हमें क्या दिखाई देता है इनके द्वारा स्केचिंग और चित्र बनाने की खुद की अनूठी शैली विकसित की गई थी ठीक है स्केचिंग और चित्र बनाने की अनूठी शैली विकसित की गई ठीक है साथ ही शांति निकेतन के समीप शांति निकेतन के समीप रहने वाले संथाल जातियों को चित्र रूप में उकेरा मतलब जो इनके आसपास का परिदृश्य है प्राकृतिक परिदृश्य उनके साथ साथ इन चीज़ों को भी इनके द्वारा दर्शाया गया ठीक है इसके अलावा बोल रहा है कि इनकी मूर्ति बनाने में भी रुचियां थी और साहित्यिक विषयों पर भी इनके द्वारा चित्रकारी की जाती थी जैसे रामायण महाभारत जैसे आ, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे नॉर्थ इंडिया के एपिक्स हैं उन पर इनके द्वारा चित्रकारी की गई विनोद बिहारी मुखर्जी को मध्यकालीन संतों के जीवन ने भी आकर्षित किया तो यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा है कि इनके और भी विषय रहे और भी विषयों में हम देखते हैं कि जो भारतीय महाकाव्य हो गए या जो संत के जीवन जो थे उनके बारे में भी ये आ, काफी ज्यादा चित्रकारी कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम ऐसे एरो देखे लिख लेते हैं अन्य विषय अन्य विषय हमें कौन से दिखाई देते हैं उत्तर भारतीय महाकाव्य महाकाव्य जिसमें हमें दिखाई देता है महाभारत और रामायण दूसरा क्या बोल रहा है संतों के जीवन से प्रभावित तो उनको भी ये अपनी चित्रकारी में उकेर रहे हैं या फिर दर्शा रहे हैं ठीक है चल आगे बोलता है कि शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, इस शांति निकेतन के हिंदी भवन के दीवारों पर उन्होंने मध्यकालीन संत नामक एक वित्तीय चित्र बनाया था जिसमें उन्होंने तुलसीदास कबीर और अन्य लोगों के जीवन के माध्यम से मध्यकालीन भारत के इतिहास को चित्रित करने का प्रयास किया था इसमें उनकी मानवीय शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया ठीक है रामकिंकर बैज के बारे में बता रहे हैं जो नंदलाल बोस के शिष्य थे एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था उनकी मूर्ति कला चित्रकला में उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को स्पष्टता से देखा जा सकता था तो ये, तो ये जो रामकिंकर बैज थे ये ज्यादातर जो प्रकृतिवादी थे या प्रकृतिवादी तत्वों को अपने चित्रों में समाहित कर रहे थे ठीक है उनके लगभग सभी मूर्तियां और चित्र उनके परिवेश के अनुभव पर आधारित थे जो भी आसपास वो उनका परिवेश है उसको वो दर्शा रहे अपनी मूर्तियों में या फिर चित्रकलाओं में ठीक है उदाहरण के लिए कला भवन ये किसकी बात कर रहे हैं वही रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कला भवन है उसके परिसर के खुले प्रांगण में निर्मित मूर्ति संथाल परिवार एक मूर्ति बनाई गई संथाल परिवार जिसका नाम है जिसमें एक संथाल परिवार की दैनिक गतिविधियों को उनके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाकर मूर्ति रूप में दर्शाकर उसको एक स्मारक जैसा रूप देने की कोशिश की गई है धातु के ढांचे के ऊपर सीमेंट और गिट्टी के मिश्रण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है उस पूरे स्टैचू को बनाने में जो कि एक संथाल ट्राइब जो है उसकी फैमिली का एक परिदृश्य दर्शा रहा है उनकी शैली डीपी रॉय चौधरी जैसे पूर्ववर्ती मूर्तिकारों के विपरीत जिन्होंने श्रमिकों के उत्तम श्रम की विजय के निर्माण के लिए अकादमी यथार्थवाद का प्रयोग किया था तो देखो ये भी एक्चुअल में जो दिखा रहे हैं वो, वो क्या है रियालिटी बेस्ड ही चीज है

में प्रासंगिक बनाया है बोल रहा है कि ये जो ग्रामीण तत्व है ये इन दोनों के द्वारा अगर शामिल किया गया है तो जेमिनी रॉय जो है कलाकार इनके द्वारा भी इस तरह के तत्वों को शामिल किया गया था पिछले अध्याय में रॉय पर एक कलाकार के रूप में संक्षिप्त चर्चा की गई थी जिन्होंने कलकत्ता में सरकारी स्कूल ऑफ आर्ट में प्राप्त स्वयं के प्रशिक्षण को अस्वीकार कर दिया था अभिनन्द्र टैगोर के छात्र होने के कारण उन्होंने अकादमी कला की निरर्थकता निरर्थकता का अनुभव किया उन्होंने देखा कि बंगाल की ग्रामीण लोग कलाओं में ऐसी बहुत कुछ समानता थी जिसे पिकासो पॉल लीज जैसे आधुनिक यूरोपीय चित्रकार चित्रित किया करते थे तो बेसिकली यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जेमिनी रॉय के बारे में कि एक्चुअल में तो इन्होंने उन कला स्कूल में शिक्षण प्राप्त किया लेकिन कला स्कूल में शिक्षण प्राप्त करने के बाद जो स्कूल ऑफ आर्ट था जो सरकारी स्कूल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था तो उसमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उस अकादमिक एजुकेशन से एकेडमिक एजुकेशन जो था आर्ट के लिए उसे बंध कर नहीं रहे क्योंकि वो किसके शिष्य बनते हैं? नंदलाल बोस बोस के तो इसके प्रति इनका कोई मुहमाइन नहीं इससे अलग हटकर उन्होंने एक अलग प्रकार की ही कला में रुचि दिखाई और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व किया कि जो कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है पिकासो पॉल्ली तो पिकासो और पॉल्ली जैसे आधुनिक यूरोपीय चित्रकार जो चित्रित कर रहे हैं वैसे तत्व हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं बंगाल की ग्रामीण लोक कलाओं में दिखाई दे रहा है तो इनको दिख रहा है कि अरे ये कलाएं तो हमारे भारत में ऑलरेडी विकसित है उसको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं किससे वहां पर जो पिकासो और पॉली जैसे आधुनिक यूरोपीय कलाकार हैं उनकी कलाओं से तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है जेमिनी रॉय के बारे में ठीक है एक दो पॉइंट्स इनके बारे में भी लिखवा देते हैं आगे जेमिनी राय जेमिनी रॉय द्वारा अकादमिक शिक्षा अकादमिक कला शिक्षा से अलग हो नंदलाल बोस के प्रभाव में बंगाल की ग्रामीण ललित कलाओं का विशेष ललित कलाओं से विशेष रूप से प्रभावित ठीक है आगे बोल रहा है कि ठीक है आखिरकार पिकासो अफ्रीकी मास्क में पाए गए स्पष्ट रूपों से प्रेरणा लेकर घनवाद में पहुंचे थे तो बोल रहा है कि जो पिकासो का भी कोर था ना जो उनके लिए भी एक सब्जेक्ट था वो कहां से उठाया था उन्होंने अफ्रीका से उठाया था और वहां से वो उठाकर उस सब्जेक्ट को उस आइडिया को फिर वो घनवाद की ओर पहुंचे थे जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ठीक है रॉय ने भी सरल और शुद्ध रंगों का प्रयोग किया गांव के कलाकार की तरह उन्होंने वनस्पति और खनिजों से अपने रंग बनाए यानी नेचुरल कलर्स बनाए उनके चित्रों के उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सरलतापूर्वक प्रतिलिपियां तैयार की जाती थी यह प्रथा गाँव के कारीगरों में प्रचलित थी अब ये नेचुरल कलर्स का प्रयोग कर रहे हैं और प्रतिलिपियां बना रहे हैं तो यहाँ पर यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनके

केरल के मैंने रवि वर्मा का ही जिक्र किया ना अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे और उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ठीक है तो ठीक है यहाँ पर बता रहा है कि आ, इनके जो आ, हमें कुछ नई चीज़ें दिखाई दी वो क्या था नेचुरल कलर्स का प्रयोग करना इनके द्वारा जो भी आ, आर्ट बनाया जाता था उसकी कॉपीज तैयार की जाती थी बाकी जो कॉपी बनती थी और इसमें क्या डिफरेंट था कि ये अपनी आ, जो आर्ट होता था उस पर हस्ताक्षर किया करते थे ठीक है फिर थोड़ा सा कंपेरिजन कर रहा है कि इनकी जो कला है उसकी विशिष्ट पहचान है जो कला विद्यालयों के शैक्षणिक प्रकृतिवादी या रवि वर्मा ने जो अपनाया था यथार्थवादी उसके साथ साथ बंगाल स्कूल के कुछ कलाकारों द्वारा प्रचलित विशिष्ट कोमल शैली से अलग है तो जो ऑलरेडी ब्रिटिश आर्ट का इम्पैक्ट दिखाई देता है इंडिया में उससे अलग इन्होंने एक आर्ट डेवलप किया हालांकि ये पढ़े तो उन्हें स्कूल में थे लेकिन उनसे ये प्रभावित होते हुए नहीं दिखाई देते हैं ठीक है अः ये पॉइंट्स और यहाँ पर लिख लेंगे इनके द्वारा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अपनी चित्रकला पर हस्ताक्षर यह थोड़ा सा एक यूनिक और डिफरेंट चीज यहाँ पर हमें दिखाई दी अब अमृता शेरगिल के बारे में जिक्र कर रहा है जो अर्ध हंगेरियन और अर्ध भारतीय हैं यानी कि हंगरी बेसिकली वहां से बिलोंग करती थी इसलिए इनके लिए टर्म यूज़ कर रहा है अर्ध हंगेरियन और अर्ध भारतीय हैं वे अद्वितीय महिला कलाकार के रूप में उभरती है कौन अमृता शेरगिल उन्होंने नाइनटीन के दशक में आधुनिक भारतीय कला के विकास में विशिष्ट योगदान दिया था नाइनटीन थर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कहाँ पर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में नाइनटीन का मतलब क्या हो गया 1930 वो टाइम पीरियड है विन अवज्ञा आंदोलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ओके okay, तो उस टाइम पीरियड की हमें ये चित्रकार दिखाई देती है अमृता शेरगिल ठीक है आधुनिक भारतीय कला के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान था दूसरे कलाकारों के विपरीत उन्होंने पेरिस में प्रशिक्षण प्राप्त किया था यानी ये खुद यूरोप में कला का प्रशिक्षण प्राप्त करके आती है अतः उन्हें प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद जैसे आधुनिक यूरोपीय कला रुझानों का प्रत्यक्ष अनुभव था तो यूरोपियन आर्ट के बारे में इन्हें अच्छी जानकारी थी अः यह तय करने के बाद कि वे भारत को अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे उन्होंने भारतीय विषयों और आकृति के साथ अपनी कला को विकसित करने के लिए काम किया अमृता शेरगिल ने आधुनिक यूरोपीय कला के साथ भारतीय कला की लघु और भित्ति चित्र परंपराओं को आत्मसात किया यानी ये जो है यूरोपियन आर्ट और इंडियन आर्ट इंडियन आर्ट में कौन सी लघु चित्रकारी ऑलरेडी हम देखकर आए थे मुगल्स के टाइम पीरियड में तो बोल रहा है कि वो जो लघु चित्रकला थी और भित्ति चित्रकला जो गुफाओं या मंदिरों के दीवारों पे बनाई जा रही है उसको यूरोपियन आर्ट के साथ में आत्मसात कर लिया युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई लेकिन वो अपने पीछे उल्लेखनीय कलाकृति की विरासत छोड़ गई यानी काफी इनको लंबा समय नहीं मिला कला के क्षेत्र में क्योंकि कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती फिर भी जो उनका योगदान था कला के क्षेत्र में वो जो उनकी विरासत थी वो आगे चल के काम आती है इनके उत्तराधिकारियों के लिए जो उनकी प्रायोगिक भावना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है साथ ही जो अगली पीढ़ी के भारतीय आधुनिकतावादियों पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है ठीक है तो अगला यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं किन बारे में अमृता शेरगिल के बारे में ओके अमृता शेरगिल 1930 की महत्वपूर्ण कलाकार जिनके द्वारा ठीक है अभी आपने देखा ना कि इनके द्वारा कला का प्रशिक्षण कहां से लिया गया था पेरिस से लिया गया था और वो जो यूरोप का एक विषय था प्रभाववाद उससे वो काफी ज्यादा प्रभावित थी प्रभावित थी ठीक है अः महत्वपूर्ण तो कला जिनके द्वारा पेरिस से कला का प्रशिक्षण इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र भारत को बनाया इनके द्वारा यूरोपीय तत्वों को भारतीय लघु चित्रकारी लघु चित्रकारी और किससे चित्र भित्ति चित्रकारी में आत्मसात कर लिया गया में आत्मसात ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहां पर राइटर भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक कला ठीक है अभी ऐसे दो दो तीन तीन पैराग्राफ जो है हमें आ, हमारे सामने आएंगे थोड़ा थोड़ा हम हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हुए चलेंगे क्योंकि इस पर हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है ठीक है यहां तक सबको तो क्लियर है ओके okay, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक कला शेरगिल की मृत्यु हो जाती है कम समय में उसके बाद भी भारतीय ब्रिटिश शासन के अधीन था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसी वैश्विक घटनाओं ने गहरे रूप से प्रभावित किया नाइनटीन के बाद के टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि इनकी तो मृत्यु हो जाती है लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर नाइनटीन में स्टार्ट होता है सेप्टेम्बर नाइनटीन में खत्म हो जाता है ठीक है तो इसके बाद भी हमें भारत में कला के रूप दिखाई दिए और इसके बाद भारत में एक ऐसा समय आता है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी इतने बड़े संकट से काफ़ी प्रभावित हुआ था भारत क्योंकि ब्रिटिश हम पर रूल करता था भले हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं था लेकिन क्योंकि ब्रिटिश हम पर रूल करता था हम उसके उपनिवेश जैसे वो घसीट ले जाता था हमें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनके बाद हमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दी जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध जैसी वैश्विक घटना के रूप में देखते हैं और इसने भारत को नो डाउट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था अप्रत्यक्ष घटनाओं में से एक बंगाल में अकाल का प्रकोप था बोलते यही वो टाइम पीरियड था जब हम बंगाल में बड़े लेवल पर क्या देखते हैं अकाल आता है अकाल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लाखों लोग काल के ग्रास में समा जाते हैं अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो जैसे अभी पेंडेमिक आया था कोविड महामारी और उसमें हम देखते हैं कि कितने लोग मरे है ना सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में Uh, लेकिन उसके बावजूद आपने गवर्नमेंट का रोल तो देखा होगा ना किस तरह से चाहे हमारे तक खाद्य आपूर्ति की पहुंच कराना या फिर uh, हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना या जो भी देश के बाहर हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं उनको वापस घर में बुलाना अलग से क्वारंटीन करना ये सारी चीज़ों पर काम करना फिर इतने बड़े लेवल पे इंडिया जैसे आ, कंट्री में जहाँ पर अराउंड वन पॉइंट फाइव अब बोलेंगे हम आ, क्या बोलते हैं लगभग सवा अरब से हम डेढ़ अरब की आबादी की ओर अग्रसर हो गए हैं तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कराना फर्स्ट डोज सेकंड डोज फाइनल डोज ओके तो उस लेवल पर अगर गवर्नमेंट का एक्शन नहीं होता तो फिर ये जो डेटा हमारे पास अभी है जिन भी लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था जिनकी डेथ हुई थी वो डेटा टेन टाइम्स हो सकता था हंड्रेड टाइम हो सकता था फाइव तो हंड्रेड टाइम हो सकता था है ना मौत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी तो क्राइसिस uh, बहुत बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे सकता था लेकिन uh, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रोल था तो उसको कर, ख, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ उसके इम्पैक्ट को जरूर कम किया गया है ना तो यहां पर ऐसा ही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जिसमें ब्रिटिश के पूरी तरह से यूरोप में अपना ध्यान केंद्रित की हुई थी वैसे भी नहीं केंद्रित करती तो वो क्या ही करती उसको इंडियंस के लिए कोई ऐसा फीलिंग तो था नहीं और बोल रहे कि यही वो टाइम पीरियड था जब बंगाल में अकाल का प्रकोप दिखाई दिया जिसने इस क्षेत्र को उजाड़ कर रख दिया ग्रामीणों के को इस अकाल ने शहरों में बड़े स्तर पर प्रवास के लिए मजबूर किया तो जब वहां पर अकाल फेमाइन पड़ रहा उस सिचुएशन में लोग मूव कर रहे हैं वहां से है ना कई बार देखो आजकल प्रवास का क्या रीज़न होता है हम अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए इंफ्रा के लिए मूव कर जाते हैं जनरली सिटीज़ की ओर है ना अगर आप गांव में है अपने गांव में आपका घर है परिवार है आपको बहुत ज़्यादा लगाव है लेकिन वहीं अगर आप हेल्थ uh, फैसिलिटी की बात करें घर में कोई पेशेंट है जिसको कोई अलग टाइप की डिसीज़ है तो आपको कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो आप सोचेंगे कहाँ पर जाओ बड़ी सिटीज़ में दवाई कराने से अच्छा वहीं पर रहने लग जाए वहां पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है एजुकेशन वाइज अगर हम देखें मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं है ग्रामीण स्तर पर अच्छी एजुकेशन मिलती है हम भी वहीं से पढ़ आए हैं लेकिन फिर भी आ, अगर आप उच्च स्तर का देखो तो थोड़ा वहाँ से हमें चीज़ें डिफिकल्टी दिखाई देती है अब या फिर हम बोले इंफ्रावाइज भी उतना ज्यादा हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं होती हैं दूर दराज के क्षेत्रों तक तो कुछ ऐसे रीजंस हो चुके हैं जॉब हो चुकी है जिसके लिए लोग मूव कर जाते हैं उस समय क्या था लाइफ सरवाइव करना ही टफ था है ना ये फैसिलिटीज की तो छोड़ दीजिए तो यहां पर ऐसे ही बोल रहे कि इस कई ने कलाकारों को समाज में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए मजबूर करा कि हमारा क्या रोल है आर्टिस्ट का क्या रोल है सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हमारा हो सकता है मूर्तिकार प्रदोषो दास गुप्ता के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा है जो एक मूर्तिकार थे 1943 में कुछ युवा कलाकारों के साथ मिलकर इनके द्वारा एक समूह का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया था कलकत्ता समूह जिसमें निरोध मजुमदार परितोष सेन गोपाल घोष रथिन मोइत्रा शामिल थे समूह एक ऐसी कला में विश्वास करता था जो चरित्र में सार्वभौमिक थी और पुराने मूल्यों से मुक्त थी उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पसंद नहीं था क्योंकि यह शैली बहुत भावुक थी और अतीत में भी अधिक रुचि रखती थी वे चाहते थे कि उनके चित्र और मूर्तियां अपने समय की साक्षी हो तो बेसिकली एक नया समूह हमें बंगाल में उभर कर दिखाई दे रही जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से डिफरेंट अपनी एक थॉट प्रोसेस लेकर चल रहा है और इस इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट था किसका बंगाल में पढ़ने वाले अकाल का तो यहां पर यही थोड़ा सा बता रहा है किसके बारे में आ, okay. आगे उन्नीस सौ के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी जैसे वैश्विक संकट वैश्विक संकट और ठीक है बंगाल में पड़ने वाले अकाल से अकाल ने कलाकारों को उनकी भूमिका के बारे में सोचने को बाध्य किया। ओके okay, और इसी क्रम में हमें क्या दिखाई देते हैं इसी क्रम में हमें दिखता है ओके okay. uh, मूर्तिकार प्रदोष गुप्ता प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा कलाकारों का एक समूह बनाया गया जिसको कलकत्ता समूह की संज्ञा दी गई ठीक है इसी क्रम में 1943 में मूर्तिकार प्रदोष प्रदोष गुप्ता द्वारा कलाकारों या युवा कलाकारों युवा कलाकारों यहाँ पे उनके नाम है ये मैं लिखवा नहीं रही हूं क्योंकि मैं आपको ये भी देती हूँ पीडीएफ में आप लोग अंडरलाइन करके प्लीज इसको देख लेना रटने का जरूरत नहीं है बस एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा युवा कलाकारों का समूह कलकत्ता समूह बनाया गया ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित नहीं थे और ना ही इन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पसंद था इन्होंने विवरणों को त्याग कर अपनी दृश्य अभिव्यक्ति को सरल बनाया कला के तत्वों सामग्री सतह रंग रूप छाया बनावट आदि पर अधिक बल दिया दक्षिण भारत के मूर्तिकार पीवी जानकी राम से उनकी तुलना की जा सकती है जिन्होंने रचनात्मक तरीके से धातु की चादरों पर काम किया ठीक है गांव और शहर में अपने आसपास की देखो इस पिक्चर को देखो आप लोग को थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा ये बंगाल में जो फेमाइन अकाल पड़ा था उसको दर्शा रहा है ये देखिए लोगों को और उस अभिव्यक्ति किस लेवल की है कि उनके देखो रिप्स तक दिखाई दे रही है कि बोन्स तक दिखाई दे रहा है किस तरह की सिचुएशन में आ गए और ये रियलिटी बेस्ड है एक्चुअल में इस तरह की स्थिति थी कि लोगों की ऐसा लगता था खाली स्किन के नीचे बोन ही है उस तरह की स्थिति में लोग आ चुके थे ठीक है गांव और शहरों में अपने आसपास की गरीबी और लोगों की दुर्दशा को दर्शाया गया कलकत्ता में कई युवा कलाकार समाजवाद और मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे यही वो टाइम पीरियड था जब कलकत्ता में बहुत सारे युवा कलाकार समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवाद मार्क्सवाद जो बात करता है विदेशी और देशी की नहीं बात करता है कि देशी में ही जो आप, दो हमें डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वर्ग भेद की बात करता है कि एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है और लोअर क्लास में कौन से श्रमिक वर्ग हो गए है ना उनकी स्पेशली जिक्र करता है तो यही वो टाइम पीरियड था जब कई सारे कलाकार समाजवाद मार्क्सवाद से प्रभावित हुए इस आधुनिक दर्शन को पश्चिम में पश्चिमी शताब्दी के मध्य में काल मार्क्स द्वारा उल्लेखित किया गया था इस विचारधारा को इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़कर आ चुके हैं इस दर्शन ने समाज में जो व्याप्त है वर्गीय अंतर आज भी हमारे देश में दिखाई देता है तो ये जो वर्गीय अंतर है इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे कि ये क्यों वर्गीय भेदभाव हो रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है ना गरीब और गरीब होता जा रहा है ठीक है इस अवधारणा ने कलाकारों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया वे चाहते थे कि उनकी कला इन सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करे यानी अपने आर्ट से लोगों को इस पर सोचने पर मजबूर कर देना ओके चित्र प्रसाद और सोमनाथ होरे जैसे भारत के दो प्रमुख कलाकारों ने इन सामाजिक सरोकार को व्यक्त करने के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में प्रिंट मेकिंग को अपनाया अब प्रिंट मेकिंग टेक्निक आ रही है प्रिंट मेकिंग क्या है कि एक पिक्चर बना के उसी पिक्चर के बहुत सारे प्रिंट्स निकाल देना या उसी पिक्चर के बहुत सारी कॉपीज निकाल देना ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं हम प्रिंट मेकिंग बोलते हैं तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में जिक्र करें कि इन्होंने प्रिंट मेकिंग को अपनाया और इसके बाद से आ, प्रिंट मेकिंग के द्वारा एक कलाकृति की कई प्रतिकृतियों का निर्माण करना बहुत आसान हो जाता था ठीक है इसके बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है तो ये थोड़ा सा दो तीन पॉइंट्स और हम लिख लेते हैं आ, कि आगे चलकर ये जो हमें कलकत्ता समूह दिखाई दिया इसी कलकत्ता समूह के द्वारा यही कलकत्ता समूह के जो युवा कलाकार थे वो हमें मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए दिखाई देता है ठीक है ये समूह आगे मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित इनके द्वारा सामाजिक वर्गीय अंतर को चित्रों के माध्यम से दर्शा चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए सामाजिक वर्गीय अंतर को दर्शाने में इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमें किसका दिखाई देता है तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि इनमें उल्लेखनीय हमें प्रयास दिखाई देता है चित्र चित्त प्रसाद और सोमनाथ होरे ठीक है जिनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं चित्त प्रसाद और सोमनाथ होरे चलिए प्रयोग किया गया प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग मतलब पिक्चर बना दिया अब उस पिक्चर को लोगों तक पहुंचाना है तो उसके कई सारे प्रिंट निकाल दो ना उससे क्या होगा कि ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी तो ये यही बोल रहा है कि पहले जैसे हमने देखा था कि नंदलाल बोस के टाइम पीरियड में उनके जो शिष्य हुए थे वो लोग जो पेंटिंग कर जो भी चित्रकारी बना रहे थे उसको कॉपी किया जाता था यहाँ पर अब कॉपी नहीं मतलब दोबारा कोई और बना रहे ये वो चीज नहीं थी यहाँ पर क्या बोल रहे तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें उसका मुद्रण किया जाता था और वो लोगों तक अन्य लोगों तक पहुंच पाता था उसकी बहुत सारी कॉपीज निकाल दी जाती थी ठीक है तो यहाँ पर यही बोल रहा है ओके इनके द्वारा प्रिंट मेकिंग तकनीक का प्रयोग ठीक है चलो आगे बोल रहा है नेक्स्ट प्रोग्रेसिव सॉरी ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ग्रुप ऑफ बॉम्बे और बहुमुखी भारतीय कला ठीक है तो बॉम्बे की बात कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह का आर्ट ग्रुप डेवलप होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं दो तीन पॉइंट फिर आगे बढ़ते हैं राजनीतिक और कलात्मक स्वतंत्रता की अभिलाषा जल्द ही उन युवा कलाकारों के बीच व्यापक रूप से फैल गई जिन्होंने ब्रिटिश राज से भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति देखी मतलब वो लोग जो पूरा टाइम पीरियड को एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ठीक है ठीक है तो इसमें नेक्स्ट एक किसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डाल लेते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट सॉरी आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे एंड बहुमुखी भारतीय कला तो बोल रहे हैं कि आगे चल के हमें दिखाई देता है एक ऐसे कलाकारों का समूह जो कि उस पूरे फेस को एनालिसिस करता है है ना कि कैसे हमें आज़ादी मिली 1946 के आसपास बोल रहा है द प्रोग्रेसिव नामक समूह का गठन किया गया ठीक है बॉम्बे में तो यहाँ पर अगला देख लेते हैं हम 1946 में द प्रोग्रेसिव नामक कलाकारों सॉरी कलाकारों के समूह का गठन किया गया ठीक है अब इनके बारे में बता रहा है कि इसमें हमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसके मुख्य नेता थे जिसमें हमें कुछ इस तरह के और कलाकार दिखाई दिए जिसमें एम एफ हुसैन इम्पोर्टेंट है के एच आरा एस ए बाकरे एच ए गार्डे एच एस रजा ये सब शामिल थे ठीक है तो न्यूटन सूजा के बारे में बता देती हूँ बाकी जो है आप यहाँ से देखेंगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा और इसके नेता। इसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नेता नेता तो ये एक ग्रुप बनता है कहां पर बॉम्बे में ये ग्रुप बनता है द प्रोग्रेसिव नामक ठीक है इसके बारे में दो तो चार पॉइंट्स देखते हैं सुजा कला स्कूलों में व्याप्त परंपराओं पर प्रश्न उठाना चाहते थे उनके लिए आधुनिक कला एक नई स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी जो सौंदर्य और नैतिकता की पारंपरिक भावना को चुनौती दे सके हालांकि उनके प्रयोगात्मक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित थे इनके बारे में एक और चीज बोल रहे हैं कि इन्होंने एक नई चीज का प्रयोग किया और वो प्रयोगात्मक कला मतलब कुछ आप नया टेस्ट कर रहे हो उसमें इन्होंने महिलाओं की नग्न आकृति दर्शाई और उनके जो भी आ, आ, अंगों को दर्शाया गया जो एक नेचुरली हम मानकर चलते हैं कि महिलाओं के ये अंग रूप है उससे अलग ही उन्होंने दर्शाने की कोशिश की शारीरिक अनुपात को तो ये बोला शारीरिक अनुपात को बढ़ा चढ़ा दिखाया सौंदर्य की मानक धारणाएं जो होती हैं कि इस तरह से महिला सुंदर है या इस रूप में मानव सुंदर है उस मानक धारणाओं को तोड़ दिया इन्होंने कि नहीं इस तरह से भी हम इन्हें दर्शा सकते हैं दूसरी ओर एम एफ हुसैन चित्रकला के आधुनिक शैली को भारतीय संदर्भ में समझने योग्य बनाना चाहते थे उन्होंने पश्चिमी अभिव्यंजनवादी यानी ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किया चमकदार भा, चमकदार भारतीय रंगों के साथ में ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किया उन्हें न केवल भारतीय पौराणिक कथा और धार्मिक श्रोतों बल्कि लघु चित्र ग्राम शिल्प यहाँ तक कि लोक खिलौने की शैली ने भी आकर्षित किया तो यहाँ पर दो तीन जिक्र कर रहा है चित्रकारों के बारे में सबसे पहले किसकी बात कर रहा है ये ओके ठीक है सबसे पहले सुजा के बारे में बता रहा है कि सुजा ने सौंदर्य कला की मानक धारणाओं को तोड़ते हुए आ, सुजा के द्वारा सौंदर्य कला सॉरी सौंदर्य कला की मानक धारणा महिलाओं के नग्न रूप सॉरी महिलाओं के नग्न रूप को नग्न रूप को शारीरिक अनुपात से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ठीक है वहीं दूसरा किसके बारे में बात कर रहे हैं एम एफ हुसैन द्वारा ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है कि इन्होंने आ, ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किया किसके साथ भारतीय चमकदार रंगों का यानी कि पश्चिमी तत्वों को भारतीय तत्वों के साथ सम्मिलित करके ठीक है ब्रश स्ट्रोक का भारतीय चमकदार रंगों के साथ ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब इनके जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर बता रखा है कि इनके सब्जेक्ट्स कैसे हुआ करते थे जो भी हमारे भारतीय पौराणिक कथाएँ हैं लघु चित्र है ग्राम शिल्प है इन सब ने इनको आकर्षित किया इसके अलावा एम एफ हुसैन के बारे में बता रहा है कि मदर टेरेसा नामक चित्र जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे आधुनिक कला में अपने उन जो भी आत्मिक तत्व थे उनको सम्मिलित किया हुसैन की चित्रकला से संबंधित एक एग्जाम्पल देख दिखाई दे रहा है अमूर्तन की एक अवधारणा आई थी अमूर्तन की अवधारणा का मतलब है कि जहाँ पर आप आ, अमूर्त चीजों को दर्शा रहे हैं जैसे कि प, पत्थर है पहाड़ है पेड़ है इनको दर्शा रहा है तो बोल रहा है कि एच एस एब्स्ट्रैक्शन की दिशा में अग्रसर, अग्रसर पसंदीदा अमूर्त चीजें उनके बारे में ये दर्शा रहा है चटक से लेके कोमल और मोनोक्रोम जो एक रंग होते थे उनका ये प्रयोग करते थे ठीक है बहुत ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो नाइनटीन के आसपास हमें एक आर्ट दिखाई देता है ओके uh, okay.

एक नए देश के रूप में उद्भव होता है जो आपका और, आ, क्या पाकिस्तान का दो हिस्सा था ना ईस्ट और वेस्ट तो यही वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है बांग्लादेश में तो बोल रहा है कि ऐसी ये जो सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही थी इनको चित्रों के रूप में उकेरने के लिए कलाकार ने अब कहानी रूपों को दर्शाना चालू किया जबकि बड़ौदा में केजी जी सुब्रमण्यम गुलाम मोहम्मद शेख भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों में कहानी को वर्णात् वर्णात्मक रूप में चित्रित किया पश्चिम बंगाल में जोगन चौधरी विकास भट्टाचार्य गणेश पाइन ने भी उन सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया जिन्होंने उन्हें विचलित किया पहली पीढ़ियों के भारतीय कलाकारों की तरफ वे भी पुराने लघु चित्र प्रचलित कला से प्रभावित हुए कैलेंडर लोक कला ताकि लोकप्रिय कला रूपों के द्वारा उन कहानियों को चित्रित किया जा सके यानी कि अपनी चित्रकला को किसके रूप में उकेर रहे हैं तो कैलेंडर या अन्य चीजों पर ज्यादा दर्शाने की कोशिश की जा रहा है जिससे लोग उसको समझ सके लोगों तक पहुंच सके लोग उसको देख के कनेक्ट कर सके ठीक है तो ये सा ध्यान रखना है कि 1980 के दशक की जो आधुनिक कलाएं हैं वो हमें कैसी दिखाई देती हैं दो चार दो चार बस पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 1980 के दशक में आधुनिक कलाओं में चित्रों को कैसे उकेरा जा रहा है आकृतियों और कहानियों की ओर बढ़ना शुरू किया वर्णात्मक कला कहानी कलाकारों ने आकृतियों और वर्णात्मक कहानी वर्णात्मक कहानी की ओर बढ़ना शुरू किया और ये किससे प्रभावित है? ये है भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश जन्म से प्रभावित जो इस समय के कलाकार दिखाई देते हैं और वो इन विषयों को सम्मिलित कर रहे हैं ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं 1980 के दशक में बड़ौदा स्कूल जो हमें दिखाई देता है वहां के कल वहाँ में थोड़ा सा एक मोड़ आया जो 1950 के अंत में स्थापित हुआ कलाकारों के सोच में परिवर्तन आया उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में रुचि लेना आरंभ किया कई कलाकारों को लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में उनकी भूमिका के बारे में पता चला और इस दौरान घटित होने वाली सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को तात्कालीन स्थान मिला तो बोल रहे यही वो टाइम पीरियड था जब हम देखते हैं कि बड़ौदा चित्रकला में एक नई चीज आई कि जो लोग हैं ना वो सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को कला में शामिल कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो यहां पर बोल रहे हैं इसी काल में बड़ौदा चित्रकला में सॉरी बड़ौदा चित्रकला में परिवर्तन जहां सामाजिक और राजनीतिक विषयों को अपनाया गया विषयों को अपनाया गया मतलब अब जो चित्रकला के विषय है ना वो चेंज हो रहे आज भी आप देख रहे होंगे ना कि वो जो लोगों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं उन चीजों को ज्यादा चित्रकला में दर्शाया जाता है या फिर अगर आप अभी भी देखो एडिटोरियल वगैरह देखो वहां पर आपको इस तरह चित्र Art, के चित्र दिखाई देंगे न्यू मीडिया आर्ट नाइनटीन के दशक में हमें न्यू मीडिया आर्ट दिखाई देता है इसके बारे में भी दो तो चार पॉइंट देख लेते हैं उन्नीस सॉरी उन्नीस नब्बे नाइनटीन के दशक में न्यू मीडिया आर्ट आर्ट हमें दिखाई देता है ठीक है अब न्यू मीडिया आर्ट क्या है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण 1991 में हम देखते हैं एलपीजी रिफॉर्म आया था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन उस उसका काफी ज्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ा एक तरफ भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ज्यादा उन्नति की 1991 के बाद ही वहीं इसमें कई विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी देखा गया आर्थिक प्रगति सामाजिक अशांति से ऐसे असाधारण समय में कलाकार बदलाव के उस समय पर अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीकों को खोजने लगे जो एक चेंजेस आ रहा है आर्थिक प्रगति की बात हो रहा है लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा कि है इसको अभिव्यक्त करें ठीक है चित्रकला और मूर्तिकला जैसे माध्यम जिस पर जो कलाकार अपनी विशिष्ट सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गर्व से हस्ताक्षर करते थे वो अपना महत्व इस समय खो चुके थे जो वो अपनी अभिव्यक्ति को अपनी चित्रकला से दर्शाते थे इसके अतिरिक्त वीडियो जैसे नए उपलब्ध ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जहाँ तक कि फोटोग्राफी भी उन्हें अधिक आकर्षक लगी क्योंकि इससे अनेक प्रतियां बनाकर कई लोगों तक पहुंचाने की सुविधा मिलने लगी हालांकि कला का वह रूप जो उत्तरोत्तर समकालीन था वह संस्थापन कला थी इसमें चित्र मूर्तिकला फोटोग्राफ़ी वीडियो यहाँ तक कि टेलीविज़न को भी एक साथ संयोजित करने का अवसर प्रदान किया जो 1991 में हमें रिफॉर्म्स दिखाई दिए उसने इन सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया यह माध्यम पूरे हॉल में फैल सकता था मतलब जो चित्रकला है उसको आप नई टेक्नोलॉजी से कैसे एक ही हॉल की सारी दीवारों पर दिखा सकते थे जो चित्रकला आप बना पहले एक जगह रख रहे थे अब उसको लोग पूरे हॉल में देख सकते थे तो ये एक वो टाइम पीरियड था जहां पर चित्रकला वीडियो बाकी सारी चीज़ें मर्ज किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है ठीक है यह माध्यम पूरे हॉल में फैल सकता था वह चारों ओर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था एक ही दीवार पर हम पूरा चित्र देख सकते देख सकते सकते थे थे दूसरी दीवार पर कांच के प्रदर्शनी तो क्वालिटी थी इससे नए गहरे अनुभव की प्राप्ति हुई जिसने हमारी सभी इंद्रियों को प्रभावित किया हालांकि यह प्रौद्योगिकी पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि अधिकांश शुरुआती संस्थापन कलाकार बड़े शहरों से ही आए जैसे मुंबई से नलिनी मलानी दिल्ली से विवान सुंदरम विषय वस्तु गंभीर और विचारोत्तेजक थी तो इस समय के जो हमें महत्वपूर्ण कलाकार दिखाई देते वो नलिनी और विवान सुंदरम जो है महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे नलिनी और विवान सुंदरम इसके महत्वपूर्ण कलाकारों में से इसके महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक ठीक है क्योंकि भाई ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट थी ना ये थोड़ा सा जो एक आ, ग्राउंड लेवल के आर्टिस्ट थे उनको अपनाने में समय लग रहा था ठीक है फोटोग्राफी को लंबे समय तक चित्रकला का प्रतिद्वंदी माना जा रहा था क्योंकि चित्रकला फोटोग्राफी के आने से थोड़ा सा अपना वो जो इम्पैक्ट है वो खो रही थी आ, क्योंकि वह सरलता से प्रतिकृतियाँ उत्पन्न कर सकता था जिसने कलाकारों को नए विचार दिए उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जिसे फोटो यथार्थवाद कहा जाता है जिसका प्रयोग अतुल डोडिया ने रेने ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क में बापू नामक कलाकृति के निर्माण में किया था ये एक आर्ट गैलरी है जो हमें न्यूयॉर्क में दिखाई देती है बोल रहा है कि फोटोग्राफी को लंबे समय तक चित्रकला का प्रतिद्वंदी माना जाता था और इसका ही बाद में चित्रकारों ने यूज कर लिया अपने फेवर में कई युवा कलाकारों ने छाया चित्र या टेलीविजन स्क्रीन की तरह चित्र बनाने के लिए तैल एक्रिलिक रंगों का प्रयोग किया जिसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है टीवी संतोष और सिबु नटसन ने एक और सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए फोटो यथार्थवाद का प्रयोग किया फोटो यथार्थवाद मतलब जो काफी ज्यादा रियलिटी बेस्ड दिखाई दे रहा है जैसे आपका पिक्चर होता है ना ऑलमोस्ट वैसे ही जो फोटो है ना उस जैसा ही आपको प्रतिकृति निकाल कर दिखाई देगा ठीक है तो ये एक टाइम पीरियड था जहां पर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इससे कंपटीशन को अपने फेवर में बना लिया है ना मतलब उसको प्रतिद्वंद प्रतिद्वंदी बनाने की जगह उसको अपने फेवर में यूज करना चालू कर दिया जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है समकालीन कला लगातार बदल रही है आज भी बहुत सारे हमें आर्ट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कलाकार तथा संग्राध्यक्ष दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए कला की भूमिका को पुनः प्र, परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान सदी में देश के लगभग सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक व व्यक्तिगत कला दीर्घाएं हैं जहाँ कलाकार समुदाय विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं अपनी आर्ट को दर्शाने की कोशिश करें और इस आर्ट को दर्शाने में वो कोशिश करें जिस तरह किस तरह हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें और उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपनी कला की अभिव्यक्ति और नए तरीके से कर सके लोगों को और ज्यादा इससे कनेक्ट कर सके ठीक है तो ये था हमारा आज का सेशन बाकी लास्ट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं आप इसको देखिएगा अब ये चैप्टर जो है बस थोड़ा सा चेंज वाइज हमें समझना होगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा फैक्ट बहुत ज्यादा नेम्स आपको लर्न नहीं कर ठीक है बाकी लास्ट में कुछ हमें अलग से आर्ट्स दे रखे हैं उसको आप लोग को रीडिंग मारना है तो आप रीडिंग मार सकते हैं बहुत तौर पर ही इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ जाना है जो चेंजेस है थोड़ा बहुत दो दो चार चार लाइन आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए रिविजन करते रहिए थैंक यू